नगर निगम परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा के पांचवें दिन नगर आयुक्त रोहित सिन्हा के दिशा निर्देश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्वच्छता पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 8 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी लोगों ने रंगोली के माध्यम से अपने घर के आस पास कैसे स्वच्छ साफ सुथरा रहे, रंगोली के माध्यम से स्वच्छता व पर्यावरण कैसे करें, इसकी झलक को दर्शाया गया। प्रतियोगिता का निरीक्षण सहायक नगर आयुक्त रणजीत सिंह, शशि शेखर सुमन, गौरव कुमार, नगर मिशन प्रबंधक कौशल किशोर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कुमारी अलका सोनी, स्मिता श्वेता कुमारी, सविता देवी एवं सभी समुदायों संसाधन से भी उपस्थित थे। सभी विजेताओं को 2 अक्टूबर गांधी जयंती समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा। देवघर से बबलू साह की रिपोर्ट। रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रंगोली कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया है। कुछ स्कूल के बच्चों ने, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के ही बच्चे हैं, उन्होंने भी भाग लिया है और रंगोली के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और स्वच्छता को किस तरह से अपनाएं और अपने दैनिक जीवन का एक भाग बनाएं ताकि एक स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण किया जा सके। ये मेरी पूरी टीम है जो कि इसमें काम करती है स्वच्छता में और आज इन लोगों के साथ एक प्रयास करती है। मेरा नाम कौशल किशोर है, नगर मिशन प्रबंधक, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसमें जो संदेश है कि हम लोग आसपास के माहौल को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं और स्पेशली हम लोग इसमें महिलाओं की टीम को इन्वॉल्व किए हैं ताकि ये लोग की प्रागवृत्ति में सामने दिखती है कि हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखते हुए अपने समाज को स्वच्छ रख सकते हैं। यही इसका मुद्दे है जी। अपना नाम और डिटेल्स। मेरा नाम शशि शेखर सुमन है, सहायक नगर आयुक्त। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।